सरकार की इस घोषणा के साथ ही अगस्त में की गई पुनर्सीमांकन की अधिसूचना तीनों शहरों में विखंडित की गई है और साथ ही अब जयपुर, जोधपुर और कोटा में चुनाव भी 6 महीने बाद होंगे। सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम की क्या आवश्यकता रही, इस फैसले को लेकर हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल से की खास बातचीत। निकाय चुनाव को लेकर अभी तक हाइब्रिड मॉडल की ही चर्चा थी, लेकिन आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने उस समय सबको चौंका दिया जब उन्होंने जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो दो नगर निगम होने की घोषणा की। हमारे साथ यूडीएच मंत्री खुद शांति धारीवाल जी हैं। धारीवाल जी, इस मॉडल की चर्चा थी लेकिन अब जो दो दो नगर निगम की आपने घोषणा की है, इसकी आवश्यकता कहाँ? इसकी आवश्यकता तो आप ये देखिए कि जो 10 लाख से ऊपर के पॉपुलेशन के शहर हैं उनको चूज़ किया गया। वो तीन कुल मिलाकर के तीन शहर हैं, जोधपुर, कोटा और जयपुर। जयपुर में तो इसलिए आवश्यक था कि यहाँ जयपुर को यूनेस्को ने हेरिटेज का दर्जा दिया और उन्होंने ये कंडीशन भी रखी थी कि हेरिटेज के लिए आप अपना अलग व्यवस्था करोगे। तो अर्थ ये था कि एक अलग नगर निगम बनाओगे जो कि सिर्फ हेरिटेज के कंजर्वेशन के लिए काम करेगा उस एरिया के लिए। तो हमने वो वार्ड जो हेरिटेज से संबंधित हैं वो वार्ड उसमें उस हेरिटेज निगम बना करके जो है उसमें लिए गए हैं। अब रहा सवाल इस बात का कि साहब दूसरे नगर निगम में भी जो है हमने उन वार्डों को विखंडित करने के लिए काम किया है ताकि छोटे छोटे वार्ड बने, और छोटे छोटे वार्ड बनेंगे तो पार्षद जो है जनता तक पहुंच पाएगा, जनता की आकांक्षाओं के अनुसार जो है वो काम करवा पाएगा, विकास के कामों को मॉनिटर कर पाएगा, वहाँ पर जो है सफाई का काम देख सकेगा, वहाँ की जो दूसरी प्रकाश की और नाली की और पठान की इनकी सबकी समस्याओं के बारे में देख सकेगा। बड़े बड़े जब वार्ड होते थे तो आए दिन ये शिकायत रहती थी कि पार्षद की शक्ल ही नज़र नहीं आती, 5 साल में एक बार आता पार्षद, ये शिकायत रहती थी। वो शिकायत कम से कम दूर हो गई। सर, यह जयपुर यूनेस्को में जब शामिल हुआ हेरिटेज सिटी में, उससे पहले जो परिसीमन था उसका काम कंप्लीट कर लिया गया, तो यूनेस्को की सर तो पहले इन तीन शहरों के किए हुए परिसीमन को विखंडित कर दिया गया है, अब दोबारा से इनका परिसीमन होगा? नहीं, लेकिन सर सरकार की जो परिसीमन का कार्य यूनेस्को की घोषणा होने के बाद कंप्लीट हुआ है, तो उस समय 150 वार्डों की घोषणा की गई थी लेकिन अब वापस से 250 वार्डों की घोषणा की। हाँ, अब की गई है, अब दो 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 बना दिए गए ना, इसलिए। सर एक और सवाल, जब जो कार्यकाल है वो कंप्लीट हो रहा है तो आगे किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी? आगे एडमिनिस्ट्रेटर बैठेंगे, 6 जगह बैठेंगे, हर शहर में दो दो दो, दो एक हर निगम में एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठेगा, वो अपना काम करेगा। तो ये थे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल। जयपुर शहर, जयपुर, कोटा और जोधपुर तीनों जगह दो दो मेयर होंगे और उनके साथ ही जो निगमों का कार्यकाल वो समाप्त होगा और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव नियुक्त किए जाएंगे जो निगम का कार्य देखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजयनाथ मिश्रा के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।